हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर टू पॉलिनोमियल। इसका टॉपिक नंबर सिक्स ऑन फाइंडिंग द रिमेनिंग जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। इसका क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 2। ये क्या है आपके जीरोज हैं। अल्फा आपका हो गया स्क्वायर रूट 2 और बीटा आपका हो गया माइनस स्क्वायर रूट 2। ये आपके जीरोज हैं। अब निकालेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस के स्क्वायर रूट 2 इक्वल स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस कैंसिल इक्वल जीरो। अब निकालेंगे इसका प्रोडक्ट अल्फा बीटा, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 इक्वल 2। हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अंदर आप रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपके पास जीरो था एक्स का एक्स, अल्फा बीटा आपके पास माइनस टू और आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस टू हम करेंगे डिवाइड, एफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू का डिवाइड करेंगे। एफ एक्स के अंदर टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स की पावर टू प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। आपके पास है एक्स स्क्वायर और लाना है आपको टू एक्स की पावर फोर। एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें कि 2x की पावर 4 आ जाए, 2x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करते ही आ जाएगा आपका 2x की पावर 4। 2x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के अंदर तो आएगा आपका माइनस 4x स्क्वायर। अब आप इसको एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। टू एक्स की पावर 2 की मल्टीप्लाई हमने माइनस 2 में की तो क्या आया माइनस 4x की पावर 2। एक्स की पावर 2 के नीचे ही लिखेंगे एक्स की पावर 2। देन चेंज द साइन, कैंसिल, रिमेनिंग माइनस 3x की पावर 3, ये आपका माइनस का ये आपका प्लस का हो गया, 4 में से 3 गया 1, साइन बढ़ने से पहले वाला प्लस 1x स्क्वायर या ओनली x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। नाउ फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, x स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 3 आ जाए, तो एक आप लेंगे 3 और एक आप लेंगे x, 3x की मल्टीप्लाई x की पावर 2 में करते ही आपका आएगा माइनस 3x की पावर 3। माइनस 3x की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो आएगा प्लस के 6x, जो कि आपको x के नीचे ही लिखना होगा। देन चेंज द साइन, देन कैंसिल, रिमेनिंग x की स्क्वायर माइनस 2। नाउ यहाँ आपका प्लस आएगा तो प्लस ही यहाँ भी आ गया। एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो वन की करेंगे, वन की मल्टीप्लाई एक्स की पावर टू में करते ही आ गया आपका
प्लस के वन एक्स स्क्वायर या ओनली एक्स स्क्वायर, और वन की हम मल्टीप्लाई वन एस टू में करेंगे तो माइनस के टू, चेंज द साइन देन कैंसिल कैंसिल, रिमेनिंग आपका रहा जीरो, हो गया। ये आपका आ गया टू टेंट और ये आपका आ गया डिविजर। आप लिखेंगे अब एक्स की पावर टू माइनस टू एंड आपका क्यू टेंट है टू एक्स की पावर टू माइनस थ्री एक्स प्लस वन। आपने देखा क्यू टेंट फिर से सॉल्व हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, टू की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो टू वन जा टू, मल्टीप्लाई करके टू आना चाहिए और ऐड करके थ्री आना चाहिए, ऐसी दो डिजिट आपको लेनी है। मल्टीप्लाई करके टू और ऐड करके थ्री, टू और वन, ये आपके दो डिजिट आई अभी, टू और वन, टू प्लस वन बाहर एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू, टू एक्स की पावर टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस के वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू, बनाएंगे हम ग्रुप, इन दोनों में कॉमन आपका आया टू एक्स, रिमेनिंग एक्स माइनस वन, और इन दोनों में आपका कॉमन है माइनस वन, रिमेनिंग एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू, इन दोनों में से एक कॉमन एक्स माइनस वन, रिमेनिंग टू एक्स माइनस वन। अब आप कर देंगे सबको जीरो के इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस टू और एक्स इक्वल स्क्वायर रूट टू, प्लस माइनस दोनों ही इस पाएंगे हम, एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, एक्स इक्वल प्लस वन, इधर आएंगे टू एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, टू एक्स इक्वल प्लस के वन और एक्स इक्वल वन अपॉन टू, देन आपके जो जीरोज आए, जीरोज जो आपको फाइंड करने थे वो आया प्लस स्क्वायर रूट टू माइनस स्क्वायर रूट टू वन एंड वन अपॉन टू, ये आपके आंसर हो गए, इट इज योर। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स की पावर टू माइनस टेन एक्स माइनस फाइव इफ टू जीरोज आर स्क्वायर रूट फाइव पॉइंट थ्री और माइनस स्क्वायर रूट फाइव पॉइंट थ्री, ये आपके जीरोज हैं, देन अल्फा इक्वल स्क्वायर रूट फाइव अपॉन थ्री, बीटा इक्वल माइनस स्क्वायर रूट फाइव अपॉन थ्री। सबसे पहले निकालेंगे इसका, फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोज को ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट फाइव अपॉन थ्री प्लस और माइनस के स्क्वायर रूट फाइव अपॉन थ्री, प्लस माइनस आपका माइनस बन गया, देन कैंसिल जीरो आ गया, अल्फा बीटा इक्वल स्क्वायर रूट फाइव अपॉन थ्री मल्टीप्लाई माइनस स्क्वायर रूट फाइव अपॉन थ्री, तो आपका इसका आंसर आया माइनस फाइव अपॉन थ्री। नाउ अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा जीरो था आपके पास और अल्फा बीटा आपके पास है माइनस फाइव अपॉन थ्री, जीरो से ये सब कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसका डिवाइड। इसको और आसान कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री इक्वल जीरो कर लेते हैं अपॉन वन एलसीएम थ्री, यहाँ रिमेनिंग बचा थ्री एक्स की पावर टू माइनस फाइव इक्वल जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई
देन आपका आ गया 3x² माइनस 5 इक्वल 0। अब आप 3x² माइनस 5 का डिवाइड कर सकते हैं एफ एक्स के अंदर। 3x² माइनस 5 का डिवाइड करेंगे हम एफ एक्स के अंदर। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अंदर आपके पास है 3x² आपको लाना है 3x⁴। तो 3x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ आ जाए, तो हम करेंगे x² की मल्टीप्लाई। x² की मल्टीप्लाई 3x² में करते ही आ जाएगा 3x⁴। x² की माइनस 5 के अंदर भी करेंगे मल्टीप्लाई, आएगा माइनस 5x² जो आप लिखेंगे x² के ही नीचे, माइनस 5x² देन चेंज द साइन देन कैंसिल, रिमेनिंग 6x³। ये आपका प्लस का हो गया, आपका माइनस का कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, 5 में से 2 गया 3, साइन बड़े डिजिट से पहले वाला, प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। ये आपका प्लस है तो प्लस ही आएगा। 3x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि अब 6x³ आ जाए, देन 2x की मल्टीप्लाई की जाएगी। 2x की मल्टीप्लाई 3x² में करते ही आएगा 6x³, और 2x की मल्टीप्लाई माइनस 5 में करेंगे तो आएगा माइनस 10x जो कि यहाँ आएगा x के नीचे ही। चेंज द साइन देन कैंसिल, रिमेनिंग 3x² माइनस 5। 3x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² ही आ जाए, तो आपको करनी पड़ेगी 1 की मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 3x² और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 5 में करेंगे तो आएगा माइनस 5। चेंज द साइन कैंसिल, रिमाइंडर आपका बचा 0। आफ्टर दैट हम लिखेंगे अपना डिविजर 3x² माइनस 5, और लिखेंगे इसके बाद क्यूटेंट x² प्लस 2x प्लस 1, देन 3x² माइनस 5। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, मल्टीप्लाई करके 1, ऐड करके 2, 1 बन जा 1, x² प्लस 1 प्लस 1 बाहर एक्स प्लस 1, 3x² माइनस 5, x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। ये आपका हो गया 3x² माइनस 5। ग्रुप बना लीजिए, x कॉमन, रिमेनिंग बचा x प्लस 1, 1 कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 1, 3x² माइनस 5, इन दोनों में कॉमन आपका आ गया x प्लस 1, रिमेनिंग भी x प्लस 1। अब कर दीजिए इसको जीरोस के इक्वल, क्योंकि आपको जीरोस निकालने हैं। 3x² माइनस 5 इक्वल 0, 3x² इक्वल प्लस 5, x² इक्वल 5 अपॉन 3, एक्स इक्वल स्क्वायर रूट 5 अपॉन 3 किसका, माइनस प्लस का। यहाँ आ जाइए अब, x प्लस 1 इक्वल 0, एक्स इक्वल माइनस 1, और अगेन x प्लस 1 इक्वल 0 और x इक्वल माइनस 1। तो जो आपके जीरोज हैं, उसने आपसे पूछा था ऑल जीरोज, एक आपका था शुरू में स्टार्टिंग में स्क्वायर रूट 5/3, एक माइनस 5/3, एक माइनस 1, अगेन माइनस 1, आपसे एक बार भी ले सकते हैं, ये आपके हो गए ऑल जीरोज। नाउ सम प्रॉब्लम्स फॉर यू इन एच डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस 19x² माइनस 14x प्लस 30, इफ टू जीरोज आर स्क्वायर रूट 2
माइनस स्क्वायर रूट टू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ आपका एफ एक्स इक्वल है 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 6, और आपके टू जीरोज हैं माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एंड प्लस स्क्वायर रूट 3/2। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।